एक शेयर मैं आपसे पता करना चाहता हूँ एक्चुअली ना, वो उसमें इन्वेस्टर्स का भी कन्फ्यूजन है, उसमें ट्रेडर्स का भी कन्फ्यूजन है, और मैं ना आपको पूरा सीरीज ही दिखाता हूँ। आप मेरे को एक बार IEX का चार्ट दिखा सकते हैं पूरे मंथ का, जो उसका मंथ का स्टार्टिंग समय था, यानी कि दिसंबर से जब आप जैन में आए, जैन के भी मिड तक गए आप, तो वो बुरा नहीं था। मैं बोलूँगा कि करीब 10 जैन तक तो बिल्कुल ही बुरा नहीं था, 10 से 12 जैन तक, लेकिन उसके बाद ये ख़राब हुआ है। आप देख पा रहे हैं, देखिए 9 जैन बीच में लिखा होगा, 26 दिसंबर से फिर 9 जैन, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके बाद फिर से एक खबर आई और हमने एक इंटरव्यू चलाया जिसमें खुद पावर मिनिस्टर ने कहा कि कपलिंग की तैयारी हो रही है। उसके बाद शेयर टूटता रहा टूटता रहा टूटता रहा और मंथ के लो पर है। कहने का, इसने एक मंथ में नेगेटिव रिटर्न दिया करीब 12% का। IEX 136 से ही चला था और 136 पे ही वापस आ गया, तो इसकी पूरी जर्नी ऐसे ही रही है। जय पटेल, मेरे को आपसे ये पता करना है, क्योंकि ये शेयर डेरिवेटिव्स में भी है, कि IEX को रोल करना है या फिर सभी सौदों को यहीं कटान कर दें, अगली सीरीज में नए तरीके से सोचे। हो सकता है गवर्नमेंट डिले कर दे, हो सकता है गवर्नमेंट ना सोचे, हो सकता है गवर्नमेंट बहुत एग्रेसिव सोचे, तो फिर सब कुछ हो सकता है। तो सौदों में कैरी करके जाना, पैसा फंसाना होगा। क्या बोलते हो आप सर? तो डिम्पी जी, यहाँ मेरा थोड़ा कॉन्ट्रेरियन व्यू होगा, बिकॉज ये न्यूज पिछले थोड़े महीनों में 2023 में 3 बार आ चुका है, और ऐसे ही गिरावट हमने 3 4 बार नोटिस किया है। पावर मिनिस्ट्री से ये बयान आता है मार्केट कपलिंग का, और पर्टिकुलरली यहाँ पर मुझे लग रहा है अराउंड मार्च के महीने में 2023 पर आया था, जून मई के महीने में वापिस से आया था, और वापिस से जो जनवरी में हमने देखा। सो डेफिनेटली थोड़ा मुझे लग रहा है यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी काफी दिख रही है, बिकॉज 200 दिन के मूविंग एवरेज के अभी एकदम निकट है, वहां पर सपोर्ट लेके अभी स्टॉक चल रहा है, और इतनी अच्छी गिरावट, और स्टॉक तो मार्केट लीडर रही सिर्फ एक अनाउंसमेंट के कारण। आई डोंट थिंक यहाँ पर कुछ बड़ा इम्पैक्ट होगा, मार्केट लीडर है तो हालांकि 1 2% का जो अप डाउन हो सकता है, बट आई डोंट थिंक कि ये स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट है, थोड़ा ओवर वैल्यूड है ऑन अ फंडामेंटल परस्पेक्टिव। RSI थोड़ा नेगेटिव साइड पर है, तो बट मेरा व्यू थोड़ा कॉन्ट्रेरियन रहेगा, बिकॉज 12 13% गिर चुका है, और पिछले 2 टाइम का हम हिस्ट्री देखे तो वहां से 1 महीने के अंदर रिकवर ऑलरेडी हो चुका था, तो ये स्टॉक में डेफिनेटली यहाँ से मैं बाय करना चाहूंगा। रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है ऑन अ बायर बाइंग साइड, और काफी टाइम से ये स्टॉक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड पर चल रहा है, तो ये लेवल से अपसाइड मोमेंटम बाउंस बैक के लिए मैं हालांकि ये स्टॉक को लेना चाहूंगा, तो व्यू थोड़ा कॉन्ट्रेरियन का बाय डेफिनेटली करूंगा, और स्टॉप लॉस के तौर पर अराउंड 122 का, इवन थोड़ा लंबा होराइजन है तो 120 का रख के स्टॉप लॉस रख के ये स्टॉक में डेफिनेटली